नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे सेक्शन 7 शेड्यूल 1 क्लॉज 3 की तरफ। पैच छोटा सा एक बार रिवीजन करा देता हूं। सेक्शन 7 ने सप्लाई की डेफिनेशन दी थी, विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, प्लस शेड्यूल 1, प्लस शेड्यूल 2, माइनस शेड्यूल 3। अब हमने शेड्यूल 1 के दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने बिजनेस एसेट्स और रिलेटेड पार्टी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम क्लॉज 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है सेक्शन 7 शेड्यूल 1 क्लॉज 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। दोस्तों, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप आज हम लोगों को समझना है। मैं पहले आपको एक बार रफली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड समझा देता हूं कि होता क्या है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एजेंट। मान लीजिए प्रिंसिपल बैठा है दिल्ली में और एजेंट बैठा है हरियाणा में। अब दोस्तों, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम इसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि क्या होगा। जब प्रिंसिपल ने माल भेजा एजेंट के पास, तो मैं एक जीएसटी दफ्तर का अफसर खड़ा हो गया कि भैया एजेंट के पास माल तो आ रहा है हरियाणा में, लेकिन जीएसटी नंबर किसके पास है? तो प्रिंसिपल ने बोला, भाई मेरे पास है, मेरे पास है। मैंने एजेंट के एड्रेस पे अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ है, मैं अपने ही एरिया में बिल भेज रहा हूं, माल भेज रहा हूं। ऑल्दो मैं जीएसटी लगाऊंगा उसके ऊपर, नॉट एन इशू, लेकिन इनपुट भी प्रिंसिपल के जीएसटी नंबर पे ही मिल जाएगा। ठीक बात है जी। प्रिंसिपल ने दिल्ली में भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है, हरियाणा में भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है। जहां पे एजेंट के गोडाउन पे माल जाएगा, वहां पे उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एड करवाया हुआ है। उसने हो सकता है हरियाणा में 10 जीएसटी नंबर ले रखे हों। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर एजेंट को जीएसटी नहीं देना, ना वो जीएसटी में कवर होएगा जब तक उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख रुपए तक नहीं पहुंच जाता। 20 लाख या 40 लाख सर्विस और गुड्स और कुछ स्पेशल यूनिटरी स्टेट्स वगैरह हैं जो जिनमें लिमिट जो है वो 10 लाख रखी गई है। तो अब इसको पॉइंट को कैटर करने के लिए ही डिपार्टमेंट ने क्लॉज 3 इंसर्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि भाई पहले तुम ये बताओ कि जिस जगह पे माल जा रहा है प्रिंसिपल से एजेंट को, उस जगह पे जीएसटी नंबर किसका है? अगर प्रिंसिपल ने ही लिया हुआ है तो एजेंट को 20 लाख 40 लाख रुपए की लिमिट तक कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना। अगर प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को कि तू जीएसटी नंबर ले, तो फिर एजेंट के रूल्स, सारे जीएसटी के जो भी रूल्स होंगे वो एजेंट पे अप्लाई होंगे। आइए अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब एजेंट ने अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ है, इसका मतलब ये है उस केस में एजेंट को हम सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे, एजेंट को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने माल भेजा 1000 रुपये, उसके ऊपर 10% जीएसटी लगाया। हम एक रफ कैलकुलेशन के लिए कह रहे हैं 10% का कोई रेट नहीं है। 1100 रुपये का माल भेजा, एजेंट ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, एजेंट उस 100 रुपये का इनपुट लेगा और जब एजेंट अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी देगा। मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक यही टेक्निक सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। दूसरी टेक्निक क्या है, जिसके अंदर प्रिंसिपल कहेगा एजेंट तुझे जीएसटी नंबर नहीं लेना, मैं तेरे एड्रेस पे जीएसटी नंबर ले रहा हूं, तू मेरे बिहाफ पे सेल करेगा, तेरे को मैं सपोज जितनी तू सेल करेगा उसका 5% कमीशन दूंगा। तो एजेंट की कमाई उस केस में सिर्फ वो कमीशन है। जब तक वो कमीशन एडहॉक लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं सेटिस्फाई करता, जीएसटी पेबल के अमाउंट पे नहीं आता, 20 लाख 40 लाख की जो लिमिट है, सर्विसेज है तो ऑब्वियसली 20 लाख की लिमिट रहेगी इस पे, तो 20 लाख की लिमिट जब तक वो ब्रीच नहीं करता तब तक एजेंट को जीएसटी नंबर नहीं लेना, अगर प्रिंसिपल ने अपना जीएसटी उसके एड्रेस पे अपडेट करवाया हुआ है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, ये वापस भेज रहा है माल,
एजेंट वापस प्रिंसिपल को भेज रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब एजेंट ने मार्केट से माल उठाया जो उसका बेकार प्रोडक्ट था और वापस भेज दिया, ये कुछ हद तक उस आइटम को कवर कर रहा है। मैंने एजेंट, मेरे एजेंट ने मार्केट से माल उठाया जो खराब था और वापस मुझे भेज दिया, तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब वही वाली बात आ जाएगी कि क्या जीएसटी नंबर एजेंट का खुद का है या प्रिंसिपल का है। अगर प्रिंसिपल का है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एजेंट का खुद का जीएसटी नंबर है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ते हैं, यही चीज हम एक आर्टिकल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों दो सर्कुलर इशू हुए हैं, आप ये इजीली पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से आज तक इस चीज के ऊपर। एजेंट की डेफिनेशन है दोस्तों, एजेंट मींस ए पर्सन, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है इसकी भी हमने डेफिनेशन नीचे कवर की है। डेल क्रेडिट एजेंट ये रहा, इज सिमिलर टू कमीशन एजेंट, लेकिन डेल क्रेडिट एजेंट जो है वो गारंटी देता है प्रिंसिपल को कि भाई आपके माल की पेमेंट मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, अगर नहीं करवा पाया मार्केट से तो मैं खुद अपनी जेब से दूंगा। अब दोस्तों कोई मुझे गारंटी दे रहा है कि मैं आपका प्रोडक्ट भी सेल कराऊंगा और आपको पेमेंट 100% आएगी पेमेंट एश्योरेंस के साथ, तो वो मुझसे ऑब्वियसली कमीशन ज़्यादा चार्ज करेगा। अगर वो कमीशन मुझसे ज़्यादा चार्ज करेगा तो दैट विल बी काउंटेड इन द टर्नओवर ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर कैलकुलेटिंग द मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस ऊपर आते हैं। तो बाय एन ऑक्शनियर और अदर मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है दोस्तों ये तो आप पढ़ लेना, सिंपल है। प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे गुड सप्लाई हो रहे हैं दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल, मतलब कंपनी का ऑनर का जो आपको माल भेज रहा है हेड ऑफिस से, सप्लाई और रिसीट। ठीक है दोस्तों, लायबिलिटी ओनली ऑफ सी ऑफ सी एन एफ एजेंट नॉट ऑफ कमीशन एजेंट्स, वही वाली बात है। अगर कमीशन पे वो काम कर रहा है और अपना जीएसटी नंबर नहीं ले रखा उसने, वो माल कंपनी की ही ओनरशिप रहेगी उसके ऊपर, एजेंट की ओनरशिप नहीं है। हमें बेसिकली यही देखना है कि ओनरशिप किसकी है, इनवॉइस कौन काट रहा है। अगर एजेंट खुद इनवॉइस काट रहा है कस्टमर को तो जीएसटी लग के आएगा एजेंट के जीएसटी नंबर पे प्रिंसिपल से, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट जल्दी जल्दी गो थ्रू करा देता हूं। कमीशन एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ हिज टर्नओवर फ्रॉम कमीशन इज 20 लाख 10 लाख पर एनम, वो स्टेट वाइज है। ठीक है दोस्तों, इस पर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, सर्विस के ऊपर ओनली 20 लाख रुपीज की डॉक एग्जम्पशन लिमिट है। There was a misunderstanding that all commission agents require mandatory registration under GST irrespective of his commission income. First part में जहाँ पे principal अपना GST number agent के address पे ले रहा है, पहले ये myth था कि उसको भी GST में registration लेना पड़ेगा अगर 20 लाख से ऊपर का माल। दोस्तों क्या दिक्कत है, मैंने माल भेजा मान लीजिए अपने agent के पास 1 करोड़ का, और मैंने उसको बोला भाई 5% तेरी commission fix है, उसकी commission हुई 5 लाख रुपये साल की। ठीक है दोस्तों, अब दो रास्ते हैं इसमें, या तो टर्नओवर में मानूं 1 करोड़ जो गुड्स भेजे या 5 लाख, तो वो क्लियर हुआ है कि भैया सिर्फ कमीशन वाली इनकम को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए माना जाएगा, मात्र 5 लाख रुपए, ना कि 1 करोड़ रुपए। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि भैया जो कमीशन है सिर्फ उसका टर्नओवर लिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द, हाँ देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि कमीशन एजेंट को तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो ऐसा नहीं है, उसे अपनी कमीशन की इनकम पे जीएसटी लेना है। ये सर्कुलर है दोस्तों, ये भी वही चीज बोल रहा है। डेल क्रेडिट एजेंट मैंने आपको बता ही दिया, हैज क्लैरिफाइड दैट इफ डेल क्रेडिट एजेंट इफ डेल क्रेडिट एजेंट इज लाइक ऑर्डिनरी कमीशन एजेंट देर इज नो इंपैक्ट ऑन जीएसटी लायबिलिटी। However, if Dell Credit Agent received the goods and then supplies as per Para 3 of Schedule 1 of CGST Act, वही वाली बात, अगर वो GST number खुद का ले रहा है agent और खुद supply करता है, then in that case he will value of interest will be included। दोस्तों अब एक और point है कि Dell Credit Agent अगर कोई मेरा बन रहा है, वो कह रहा है मैं आपको payment की assurance दे रहा हूँ, payment होके रहेगी आपकी,
तो फिर दोबारा मैं ये पूछूंगा कि अगर तू ये कह रहा है तो तेरा क्या चार्जेस है। उसने बोला जी वैसे तो हम 5% लेते हैं, लेकिन हम पेमेंट की एश्योरेंस दे रहे हैं तो हम 10% लेंगे। तो 1 करोड़ का अगर 10% हुआ तो 10 लाख रुपए उसका टोटल टर्नओवर माना जाएगा, ना कि 5 लाख रुपए। ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर भी लिखा हुआ है। आइए दोस्तों ये भी हम अभी कवर करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 टू डी ये है जी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। तो दोस्तों इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी आपकी सप्लाई के अमाउंट में इंक्लूड की जाएगी फॉर डिसाइडिंग द टर्नओवर लिमिट। ठीक है दोस्तों, अब अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उसके लिए दोस्तों रूल बने हुए हैं 29, 30, 31। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम रूल 29 पढ़ते हैं। रूल 29 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। तो देखो दोस्तों, अब आप वैल्यू ऑफ गुड्स निकाल रहे हो तो क्या समझते हो आप, जो समझते हो वही लॉ मेकर समझते हैं। आप ये समझते हो कि भैया जो मार्केट का प्राइस है वही वैल्यू मान लो। प्रिंसिपल ने एजेंट को माल भेजा, उसकी वैल्यूएशन कैसे हो, देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो गई, दिल्ली से अगर हम हरियाणा में माल भेज रहे हैं, अगर हमने उसकी वैल्यूएशन कम प्राइस पे कर दी तो दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट के जीएसटी के अमाउंट्स में मिसमैच आ जाएगा जो उनका प्रोपोर्शनेट शेयर है। इसलिए हमें उसको वैल्यू बड़े ध्यान से और ठीक से करना है। तो जब दिल्ली से हरियाणा गुड्स मूव हुए तो हरियाणा के अंदर कंजम्पशन के लिए हम जा रहे हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू पूरा चाहती है, तो गवर्नमेंट ने उसको क्लियर किया कि भैया जो ओपन मार्केट वैल्यू है ना वो ले लो, और एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी। अगर हमने कोई ऐसा गुड्स भेजा जिसकी वैल्यूएशन करना इम्पॉसिबल है या नहीं पता चल रही है, तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि भैया 90% मान लो उसके जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट की। लाइक मैंने कोई नया मसाला बनाया, सपोज कोई भी नाम रख लीजिए, एक्स वाई जेड मसाला। अब एक्स वाई जेड मसाला मैंने पाव भाजी का बनाया, तो ऑलरेडी मार्केट में MDH और एवरेस्ट के मसाले हैं, मैंने उनका प्राइस का वैल्यू निकाला और उसका 90% चार्ज करके भेज दिया। ठीक है दोस्तों, वेयर द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए। अब मेरा तो कोई बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है, ना मैं 90% कर सकता, ना ओपन मार्केट वैल्यू पता, मैंने तो कुछ नई ही चीज़ बना दी, मैंने कोई नया ही मसाला बना दिया जो आज तक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, इस केस में भी आपको अपना दिमाग चलाना है, उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। उसकी वैल्यूएशन ये होनी चाहिए, एक बंदे ने बोला सर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपकी वो तो आप कैलकुलेट करोगे ही, एक्स वाई जेड मसाला कंपनी अपने हेड ऑफिस में उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगी, उसको 100% पे ले जाओ, मतलब उसकी कॉस्ट को ही चार्ज कर लो। लेकिन तभी हरियाणा गवर्नमेंट खड़ी हो गई, अच्छा जी आप सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट खड़ी हो गई, कहती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया, सारा इनपुट लिया, हमें टैक्स क्या दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया 10% हम तुम्हारे लिए भी जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा 110% 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप सप्लाई की वैल्यू मानोगे। अब तीसरा बंदा खड़ा हो गया, एक्स वाई जेड मसाले वाला फिर खड़ा हो गया, सर मुझे तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं पता और वो इम्पॉसिबल है निकालनी। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया तुमने तो हमारी जान ही ले ली है, एक काम करो जो तुम्हारे हिसाब से वैल्यूएशन बनती हो, रूल 31, जो तुम्हारे हिसाब से वैल्यू बनती हो यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली इस तरीके की चीज़ें सब सर्विसेज में दिक्कत आती है, गुड्स का फिर भी एक वैल्यू मिल जाता है, सर्विसेज के अंदर वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ गुड्स बनाया जिसका पेटेंट हुआ, अब पेटेंट का ही खर्चा इतना आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या मानूं, ये गुड्स के लिए है। सर्विस के लिए मैंने कोई ऐसी सर्विस ईजाद की जो आज तक आई नहीं, सपोज अर्बन क्लैब जो फर्स्ट टाइम आया था इस तरीके की सर्विस कभी आई नहीं थी, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, हमने क्या किया है, आप हमारी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो शेड्यूल 1 पे जब आप जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वीडियो बनी हुई है वो ऐसे आप देख सकते हो, सेकेंड पार्ट के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स के लिए आप ऐसे देख सकते हो।
अब थर्ड पार्ट की आज हम वीडियो बनाएंगे, इसको भी हम यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।